और कोरोना से बचाव के चलते हिमाचल प्रदेश में भी बूस्टर डोज लगना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले लगभग 5 लाख से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाई जा चुकी है और 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी सुरक्षा डोज लग पाए। ऐसे में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हो इसके लिए डिमांड दे दी गई है। बूस्टर डोज की प्लानिंग को लेकर हिमाचल नेशनल हेल्थ मिशन के डायरेक्टर हेमराज वैरव ने पूरी जानकारी दी। प्रिकॉशन डोज जो पहले प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर के लिए अलाउड थी, केंद्र सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट, जैसा आप सबको पता है कि 75 दिन के लिए सबको मुफ्त लगाने का डिसीजन हुआ है। तो अभी उसकी जो लॉजिस्टिक्स रिलेटेड प्लानिंग है कि वैक्सीन हमारे पास कितनी है, कितने हमें और चाहिए, उसकी मिनिस्ट्री ने हमसे डिटेल मांगी है। तो 17 तारीख तक का उन्होंने समय दिया था, हमने वो हमारी डिमांड उनको प्लेस कर दी है। अगर आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश ने दिसंबर में ही पूरी हमारी जितनी भी पात्र आबादी थी उनको दोनों डोज लगा दिए थे। तो अब जो नया नियम है कि 6 महीने के बाद प्रिकॉशन डोज लग सकता है, उस हिसाब से प्रदेश की पूरी आबादी अब इसके लिए एलिजिबल है।